गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आयला से भी पूछते हैं, आयला कैसी है? आयला हेलो कर दो फैंस को। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, तो गाइस आयला बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त जो है, सबसे पहले आयला का हीटर में पहला दिन, आयला ने हीटर का आज जो है स्टार्टिंग करवाया अपनी दादों के लिए स्पेशल। आयला आयला, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या चीज है? हीटर। क्या है? इधर आओ हीटर। ये देखो टीचर, टीचर इधर तो आओ। अच्छा, तो ये देखें, मैं आपको पहले हीटर भी दिखा दूं। ये इधर नहीं, इधर से आगे से आओ, इधर फ्रंट से आओ। अच्छा, तो ये देखें, ये हीटर जो है ये 2-in-1 है। अगर हम इसको हैंग करना चाहें तो हैंग भी कर सकते हैं। और ये जो है, इधर से अगर इसके नट वगैरह को थोड़ा लूज कर दिया जाए तो ये जिस डायरेक्शन में इसको रखना हो उस तरह भी हो सकता है। ये उधर से मैंने बहुत टाइट किया हुआ है। बच्चों के लिए मैं वैसे भी कहूँगी कि हीटर को अवॉइड करें, क्योंकि हीटर ज़्यादा जो है नुकसान भी इसके बहुत हैं और फ़ायदे भी, लेकिन फ़ायदे कम है नुकसान ज़्यादा है। क्योंकि बच्चे जो है गर्म कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर वो सर्दी लगने का खतरा, फिर वो नमूनिया और वो ETC बहुत सारी बीमारियों का बंदा शिकार हो जाता है। तो अब आप नमाज़ पढ़ने लगी हैं, ये कौन से टाइम की नमाज है? वो देखना ज़रा, नमाज पढ़ रही है, देखो ज़रा। अल्लाह पढ़ो, मैं सबके वहाँ बिछाओ। कहाँ पढ़ते हैं नमाज? वहाँ बिछाओ, जाओ जल्दी जाओ, जा नमाज बिछाओ। पहले पहले जा नमाज बिछाते हैं ना, फिर अल्लाह पढ़ते हैं। जानब जरा इसका, खदीजा जरा इसे बिछा देना, जा नमाज, जाओ जाओ। अच्छा, ये अल्लाह पढ़ा जा रहा है। ओ मैं सबके आयला, ऐसे नहीं ना, पहले स्टैंड अप हो गए ना, पहले कैसे खड़े होके, खड़े होके शुरू से पढ़ो, शुरू से पढ़ो। ये जा रहा है। ओ मैं सबके आयला, ऐसे नहीं, जल्दी से। अच्छा, तो ये देखें आयला, अब इस वक्त अल्लाह पढ़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग दुआ भी मांगते हैं ना? कहाँ जाओगी? मक्के जाऊंगी, मैं भी मक्के जाऊंगी, इंशा अल्लाह तौफीक दे, मैं भी मक्के जाऊंगी, इंशा अल्लाह। आप भी माशाल्लाह बोलें, और प्लीज़ आयला के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और मेन बात जो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो भी आयला के चैनल को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, तो प्लीज़ कमेंट में माशाल्लाह जरूर। प्रोग्राम बन रहा है कि हम लोग ग्रीन टी बनाए आपके लिए। ये महम आयला भी ग्रीन टी पिएगी। आयला किसकी टीम में है? आयला किसकी टीम में? ओके, ग्रीन टी पीना चाहता है मुझे बता दे, मैं बनाने लगी हूँ। मैं भी पीऊंगी। ओके, लीमू डालो बीच में थोड़ा सा। आयला के लिए शहद डालें बीच में, ये लीमू। अच्छा, ग्रीन टी से ज्यादा अच्छा लेमन लेमन ग्रास बना लेता। कौन सा बच्चा ग्रीन टी पिएगा, कौन सा लेमन ग्रास? लेमन ग्रास। अच्छा, ज्यादा लेमन ग्रास का टेस्ट अच्छा होता है ग्रीन टी का? अच्छा, लेमन ग्रास तो अच्छा लगेगा, क्या गले खराब हो उसमें लेमन डलता है ना, इसलिए। हम लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग लीव्स, फ्रेश लीव्स की ग्रीन टी पीते हैं और लेमन ग्रास भी, है ना? ऐसी बात है ना। चले ठीक है, मैं लेमन ग्रास या ग्रीन टी का जो भी माहौल बनाता है ना, वो इकरा ही बनाती है। हम इकरा को इकरा नहीं, हम इकरा को इक्का कहते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। हम लोग जाने लगे हैं किचन में और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग लेमन ग्रास किस तरह से बनाने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज प्रेस द बेल आइकन। लेमन वाली बनानी है। देखो यार, बच्चों का गला वाला ना खराब हो जाए, ख्याल करना यार। नहीं नहीं, लेमन वाली तो मैं अपने लिए बनाती हूँ, वेट लॉस के लिए, आपके लिए, अस्त्र के लिए। हाँ हाँ हाँ, देखे ये देखे, ये देखो गैस चल रही है यार, इसको लगाओ यार। टीवी यार, मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लगाओ। ये यार, ये आपका क्या काम है किचन के अंदर हर वक्त गुस्सा? आप क्यों आई हैं? हैं बच्चों का क्या काम है? दिखा स्वामी, ओ ये। अच्छा तो बनाओ। इतनी सारी, ये हमारे मेंबर्स हैं घर के, जो मतलब हम सारी फैमिली जब इकट्ठे बैठते हैं सब पीते हैं, तो किसी में कम ना पड़ जाए इसलिए ज्यादा बनाती हूँ। अच्छा, यानी बच जानी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, है ना? अच्छा अच्छा, तो ये क्या, इसको अभी आप बॉयल वॉयल करेंगे? ये फुल बॉयल होगा, इसके अंदर हम डालेंगे इलायची ली है, क्योंकि इलायची वगैरह जो है ना बहुत जरूरी होती है। अच्छा ये लो ये लो ये लो, भाई इलायची ले लो, बहुत है इतनी इलायची। इधर दिखाया, अभी इसको बॉयल आएगा। अभी ये सारे, ये हमारे फ्रेश लीव्स जो कि ये कट होते हैं, लेकिन मैंने इसको भी कट नहीं किया। ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं, अगर हम कट कर लें जरा खूबसूरती आ जाएगी। हाँ नहीं, वो जब ये थोड़ा सा पक जाते हैं ना, तो ये थोड़े से ना फूल जाते हैं, जैसे खुल जाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद ड्राई हो गए ना, तो ड्राई होने से फिर वो दोबारा अपनी फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। जब पकेंगे तो ये फूल जाएंगे। अच्छा, यहाँ कटिंग कर लें या कट ही डाल दें?
तो ये ज्यादा नहीं हो जाएगी, ज्यादा लोग शुगर है वो कटिंग कर ले जाए, मेरी जैसी। बॉइल होने के लिए हम लोगों ने रख दिया, ठीक है। इसमें इलायची तो डालो पहले, वो थोड़ा सा पानी बॉयल हो जाए। हाँ तो डाल दोगी ना तो पकता नहीं रहेगा। अच्छा तो, अच्छा नहीं नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, तुम अपनी तुम्हारी रेसिपी है। ओके ओके ठीक है ठीक है। अच्छा तो ये इतने बॉयल होता है और यहाँ हम इसे कटिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर ये कटिंग होती है तो इसके अंदर आप शुगर, वो ये वाली शुगर डालें या शक्कर डालें, शहद डालें, आपके अपना तो शहद डालना फ्लेवर है। ठीक है ठीक है, जिसने शहद डालना होगा शहद डालेगा, जिसने जो है ना ये डालनी होगी तो खुद डालेगा। चले ठीक है, इतने गाइस आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिखाते हैं कुछ देर बाद हमारी फ्रेश लेमन ग्रास की रेसिपी और इसका सारा सामान। ये ना हम लोग ना इकट्ठी जब मंगवा लेते होते हैं ना तो पहले से सुखाते हैं, सुखाने के बाद फिर इस तरह पीसेस कर लेते हैं, लेकिन अभी हमने अर्जेंट जो है ना सोचा कि हम ये बना लेते हैं। चलो आयला के व्लॉग में भी ले लेंगे, आप लोगों से भी शेयर करेंगे कि हम लोग किस तरह से गेट टुगेदर कर लेते हैं छोटी सी। वैसे एक बात बताऊँ, ग्रीन टी हो गई, लेमन ग्रास, ये बहुत अच्छा हेल्दी है, लेमन ग्रास हो गई, ग्रीन टी हो गई, चाय हो गई, ये सब जो है ना सिर्फ एक सबको इकट्ठा करने का माहौल बनाने का तो जब आप लोग सब बोर हो रहे हो तो कोई भी आप में से बंदा उठ जाए इकरा की तरह और आओ और हम लोग जो है ना लेमन ग्रास पीते हैं। तो ये देखे ये इतनी बहुत है, इकरा देखो बॉइल आ चुका है। हाँ, तो हम इसमें अब डालेंगे अपनी इलायची। तो इसमें इलायची थोड़ी कम ना करनी, ठीक है। इलायची वगैरह डालेंगे, कितनी डालनी मैक्सिमम? ये अब सबके लिए बना रही हूँ, चार बहुत है। अच्छा यानी ये 1 लीटर तो होगा ना पानी, और इसी के अंदर हम डाल देंगे ये लीव सारे। चलो ठीक हो गया, गुड हो गया। इसका बहुत प्यारा सा कलर आएगा। और लेमन कब डालना है? वो एंड में डालो, मतलब जिसने भी जिसको जरूरत होगा सूट करे जो, हाँ क्योंकि लेमन से किसी को एलर्जी भी होती है, जिसको जैसे सूट करे वो अपना डालता जाए। अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे, इसी के अंदर आप शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, जो आपका दिल चाहे, और इसको हम दम पे छोड़ देंगे। एक बात बताऊं, जो फ्रेश लेमन ग्रास है ना और ये जो ग्रीन टी जो फ्रेश हम लोग पीते हैं, इसका टेस्ट ही अलग होता है। इसका अलग है, आप देख लें जो डब्बे वाली होती है, जो अगर आप 10 भी दे देंगे कोई मसला नहीं है, अपने घर की चीज है, जो मर्जी कलर, जो जब ब्यूटीफुल कलर आ जाए ना इसका, येलो कलर प्यारा मिलते हैं। अच्छा तो ये वाओ सो नाइस इकरा, ये किसके लिए है? मीना मीना, अच्छा ये देखो, ये हमारे स्पेशल व्लॉगर आयला बास, इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है। और ये हमारी बड़ी नाइस ब्यूटीफुल आयला की बड़ी कजन है, यानी कि मैं, खतीजा, जैनब, मन्नो, माहम, ओके और दो कजने अपने अपने घर हैं, अभी हम लोग आए हैं, तो ये हम इसमें भी आएंगे, इसमें आयला भी, ठीक है। ये सही है, और मेरा मम्मा, उसकी मम्मा के लिए है कॉफी वाला मग, जो कि आयला के बाबा ने आयला की मामा को गिफ्ट किया था, उसमें देंगे हम। यादें ताज़ा उसमें पीने से मामी मामू को बड़ा मिस करती है, तो मैं उसी में मामी को देती हूँ। मेरा ढोला परदेसी। अच्छा तो ये अब 8 मिनट्स हो चुके हैं, मैक्सिमम 8 मिनट्स के बाद हम लोगों ने इसको खोलना था। देखते हैं, दिखाओ यार, देखो मैंने पहले कहा था ना मामी इसकी पत्तियां फूल जाएंगी, तो ये फूल नहीं है ना, कितनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी होगी। देखो इसका गला ना यार, मुझे दिखाओ इसका कलर, देखो वाओ सो नाइस। जल्दी जल्दी दे दो यार, अब तो बिल्कुल इकरा कहने का बड़ा, मैं इसको डाल, हां ठंड भी बहुत हो रही है। ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग इतने सर्व वगैरह करते हैं। एक जिसे कहते हैं एक टाइटल और एक बार जो पा जिसे कहते हैं ना फुल, आप फिक्स करोगे ना, मेरा कब से फिक्स किया हो, कहते हैं इका ग्रीटिंग। इसमें थोड़ी सी ज्यादा चली गई है तो मैं इसमें आयला के कैटल में डालने लगे, बस थोड़ा सा डालो ज्यादा नहीं डालना, आयला और आयला अच्छी है ना, कहते हैं सब दे दो इसमें आयला और आयला की मम्मा। पेश करोगी तो जिसका दिल नहीं भी होगा वो भी कहेगा दे दो।
अच्छा, तो इकरा ने ये भी बताया कि इससे वेट लूज बहुत जल्दी होता है। जिन लेडीज़ को या जिन जेंट्स को या जिनको भी वेट लूज करना हो, वो प्लीज़ लेमन ग्रास का इस्तेमाल ज़रूर करें, दिन में दो मरतबा ज़रूर करें, और लेमन डालकर वेट लूज बहुत जल्दी होता है। गरम है। नो 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 नो, हॉट मिट्टी है, डली हुई है आइला, डाली है बेटा, डाली है, चम्मच दे दो। इकरा को कहो, इक्का को कहो, इक्का आइला, आइला इकरा को कहो, इक्का बहुत अच्छी है। मम्मी खाओ, मम्मी खाओ। हाँ जी, ये जो इकरा ने बताया था कि मेरे हस्बैंड साहब ने मुझे गिफ्ट किया था, तो वो ये वाला कप है। थैंक यू इका। बेल आइकन है, उस पर क्लिक जरूर कीजिएगा। आप बेल आइकन को छोड़ देते हैं तो लेटेस्ट वीडियो से आप बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो आइला के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।